अच्छा तो कब से राहुल आप पहलवानी कर रहे हैं यहाँ पर? काफी टाइम से कर रहे हैं। अच्छा तो गुरुजी सिखाते हैं जी। तो मतलब जिला किसरी के तो बने आप वो था उस दिन वहाँ पे और कौन से कंपटीशन स्टेट में भी स्टेट में भी यूपी स्टेट में भी ये लाए हैं मेडल। तो ये वो अखाड़ा है, ये वो गुरुजी हैं जो बच्चों को 30 साल से तैयार कर रहे हैं और इनके ये बच्चे जो हमने देखे आज ये मेडल भी लेकर आ रहे हैं बच्चे और इनको ये ही वो बच्चे हैं जो आगे जाकर ओलंपिक खेल सकते थे या खेल पाएंगे, ये सवाल सरकार के सामने हम लोग रख पाते हैं इसी वजह से ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल बात करने के लिए। ये हमारे साथ स्ट्रॉन्ग पहलवान जो है मुनेश कुमार। तो मुनेश कुमार कहाँ से हो? नांगल सोती से ही है ये पहलवान और गुरुजी बता रहे हैं इनके बारे में बता रहे थे। ये स्टेट में इसने भी काशी पदक जीता। अच्छा सर कौन से में बोला? बिजनौर कुमार भी रहा दो बार। ये बिजनौर कुमार रहे? बिजनौर कुमार भी रहा दो बार। सरकार से बहुत गुहार लगाई, एक नलका भी नहीं गड़वाया गया किसी से। हाँ। नाले की भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा जरासी भी नहीं है। जो ठंड पड़ती है जनवरी दिसंबर की उसमें सभी अपना है आग जलाओ रहते हैं। जगह उसमें जब यहाँ आग जलाते हैं करीब में जब सर्दी में 4 बजे से कुछ नहीं। प्रधानों से भी कह लिया। बहुत बहुत दुख हुआ ये जानकर जैसे पहलवान बता रहे हैं कि हम जब पहलवानी करते हैं सर्दी होती है जैसे बारिश पड़ जाती है 3-3 दिन अखाड़ा बंद रहता है। बताइए तो ठंड होती है तो आग जला के एक साइड में और एक साइड में जोर होते हैं आग जला के, फर्स्ट टाइम मैंने सुना। और गर्मी होती है बरसात होती है तो कहते हैं कोई जगह नहीं है नहाने की, कोई जगह नहीं है, कहीं पर टॉयलेट नहीं है। मतलब 30 साल से इस चीज़ को नोटिस नहीं किया गया और पहलवान अपने सामने कह रहे हैं कि हमने गुहार लगाई सरकार को, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रधानों को भी गुहार लगाई, प्रधानों को आते रहते हैं खुद करो अपने आप तो ये है। मतलब हमारे देश की हकीकत ये जिन लोगों को हम कहते हैं कि प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं के साथ क्या बीत रहा है। ये पहलवान है जो बिजनौर कुमार रहे, नेशनल कुश्ती खेले और लगाते रहे गुहार सरकार से कि हमें कुछ सुविधाएं दीजिए हमें कुछ सुविधाएं दीजिए। अगर इनको सुविधा मिली होती, अगर इनको कोई मैट मिला होता, अगर इनको कोई कोच मिला होता या इनको थोड़ा सा भी कुछ सहायता दी गई होती तो आज ये लोग जो थे बहुत ऊपर जाते, ये लोग, ये ओलंपिक मेडल लाने वाले लोग थे। तो मुझे यहाँ पर आकर खुशी तो बहुत हुई है लेकिन उतना मेरे मन को थोड़ा आभास भी होता है, ठेस पहुंचती है कि जब हम इस कंडीशन में अपने देश के खिलाड़ियों को देखते हैं। कई पहलवान यहाँ करके सर ये चले गए हैं अपने बेचारे हैं मेहनत कर रहे हैं खड़े हो जाओ सब बड़े बच्चे इनसे पूछो तो बहुत ही बुरा हाल है। बहुत बढ़िया लड़ने वाला लड़का जाए, नहर आ रही है तो नहा रहे हैं। अच्छा लाइट नहीं आती नहर में लौट ले, नहर आ जाती है तो ट्यूब चला लेते हैं या उधर चले जाते हैं या उधर चले। बारिश पड़ गई 8-8 दिन तो बंद, ठंड पड़ा रही तो कुछ भी नहीं है। मतलब डिपेंड करता है ये कि मतलब दया पर ऊपर वाले की, ऊपर वाले की दया पर। जय चल भाई आ जाओ इससे भी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीस पहलवान। चलो ये हमारे पहलवान है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद पहलवान। तो आप कहाँ से हो पहलवान जी? नांगल सोती से ये पहलवान है और ये पहलवान ने मुझे जरूर लगता है कि कुछ बताएंगे कि यहाँ पर क्या अन्याय हो रहा है। पहलवान आप बताइए यहाँ पर कि आप कब से पहलवानी कर रहे हो? मुझे करीबन 19 साल हो गए। अच्छा 19 साल पहलवान खड़े में, इसी अखाड़े में। अच्छा तो 19 साल के आपके सफर में कहाँ कहाँ कुश्ती लड़े आप? 19 साल के सफर में इधर उत्तराखंड ऋषिकेश मुरादाबाद मेरठ मुजफ्फरनगर रुड़की शामली जी इधर गए। जब पहलवान जब ठीक हो जाता है तभी वो थोड़ा दूर निकलता है, नहीं तो घर के आसपास ही लड़ता है। तो नेचुरली है कि ये जब अच्छे हुए होंगे तो तब बाहर निकले होंगे। जी जी। तो वहाँ अच्छी कुश्तियाँ हुई आपकी? बहुत अच्छी अच्छी कुश्ती। अच्छा सब जी गुरु हनुमान जी के अखाड़े में से दिल्ली में से भी लड़कों से कुश्ती हुई हमारी। गुरु हनुमान अखाड़े के बच्चों से भी उन्होंने कुश्ती लड़ी, क्या रहा उस कुश्ती में? उस कुश्ती में मेरी वहाँ हुई थी ऋषिकेश में कुश्ती हुई थी उससे। अच्छा वो कुश्ती मैंने मार ली थी फाइनल। अच्छा तो ये जीते हैं कुश्ती उसमें? ऋषिकेश DM साहब ने दंगल कराया था वो। अच्छा बहुत बढ़िया लड़का था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उत्तराखंड उन्होंने दंगल कराया था। जी जी। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ दूर दराज से बच्चे आए थे, कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में विजयी रहे हमारे जाहिद पहलवान। तो अच्छा पहलवान तो मतलब ये नेचुरल बात है कि अच्छा आपने मेहनत करी, गुरुजी ने अच्छी शिक्षा दी और आप आज भी पहलवानी कर रहे हैं। जी आज भी कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था कि मुझे अच्छी नौकरी मिलती या और पहलवानों की तरह मुझे जैसे योगेश्वर सुशील पहलवान में बन सकता था?
नहीं बन तो सकते थे अगर जो उनसे आधी भी फैसिलिटी होती तो यहाँ के लड़के कर तो बहुत कुछ सकते हैं। सामने भी ना टिक पाता। आप देख सकते हैं इस मट्टी गारे मट्टी में इस तरह पहलवानी करके अगर जो कोई मैट पे अगर जो चाहे के मेडल ले आए तो बहुत मुश्किल है। तो ये जाहिर संभव नहीं है। पहलवान के मन की बात करिए कि वो कह रहे कि देखिए इस मिट्टी में से ही हम लोग निकले हैं और ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में से कितनी भी हम मेहनत कर लें लेकिन अगर आप हमसे ये उम्मीद की जाए कि हम ओलंपिक मेडल ले आएँ या हम नेशनल लेवल पर मेडल लाएँ तो वो कहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है। 20 साल पहलवानी का तजुर्बा इस मिट्टी से इन्हें मिला है और आज ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा सुविधाओं का अभाव हो रहा है। तो फिर भी पहलवान जी आपने कहीं ना कहीं तो कुछ झंडे तो जरूर झंडे तो सर मेरा रिकॉर्ड है कि एक लंगोटी से मैंने 8-8 कुश्ती मारी। 8 कुश्तियाँ एक बार में? एक बार यानी बढ़िया लड़ने वाले नेशनल लेवल पे मैडम का 4 कुश्तियाँ होती हैं फाइनल तक। 8-8 कुश्ती लगातार मारी मैंने। अच्छा। अखाड़े में से जब निकला जब 8 की 8 चीत मारी। 8 कुश्तियाँ कहाँ पर कहीं पर ऐसा याद है कहाँ पर हुआ था कोई ऐसा? ये जिले का दंगल हुआ था हमारा ग्राम मोहद्दीनपुर में। अच्छा जी। अच्छा तो वो उन्होंने वो गांव वालों ने कराया था जी करीबन 8-10 साल पहले हुआ था तो उसमें मेरी कुश्ती हुई थी। अच्छा तो 8-10 साल पहले इन्हें याद है कि एक बार गांव मोहद्दीनपुर में दंगल हुआ था जिसमें एक ही बार एक ही लंगोटी में कहते हैं ना पहलवानी में कि एक ही लंगोटी में 8 कुश्तियां मारना 8 कुश्तियां फिर ऐसे 9 कुश्तियों के 9 शेरा 10 शेरा ऐसे 10 बार शेर बनना 8 बार शेर बनना। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत अच्छा है आपसे बात करके लगा और आपकी दिल का दर्द भी हमने सुना और ये जो दर्द है ये आप लोग सुनेंगे उम्मीद है क्योंकि कुश्ती की ये जो रिकॉर्डिंग बनेगी दुनिया को सुनाओगे आप बिल्कुल कुछ हमारे लिए हमारे जो ये छोटे बच्चे कर रहे हैं इनके भविष्य के लिए तो जैसे स्टेडियम भी ना बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। फिर गुरु जी के पास वापस चलता हूँ। गुरु जी एक बार थोड़ा सा और समय दीजिए। तो 30 साल से आप अखाड़ा चला रहे हैं तो कभी आपने कभी ऐसे किसी प्रशासन शासन को कुछ लिखा कि हमें कुछ सुविधा तो दीजिए? मतलब लिखा कौन सुन रहा कुछ सुनता ही नहीं सुनता कभी क्या लिखा सुनता कौन सुन रहा। अच्छा कोई नहीं सुनता नहीं भी सुना लेकिन फिर भी आप हारे नहीं लगे रहे? हाँ हम तो लगे रहेंगे जब तक जीवेंगे जब तक लगे रहेंगे आखिर तक जब तक जिंदगी तब तक लगे रहेंगे। 70-80 वर्ष के कितने उम्र हो गई? 77 वर्ष 77 ऑलमोस्ट 80 साल के गुरु जी हो गए और लगे हुए करें हम और भी आगे लगे रहेंगे जी। आज भी जोर मार रहा है खड़े में लड़कों घोड़ा चला रहे बात करेंगे बहुत है पहलवान पुराने तो बहुत है। अब गुरु जी कितने कितने बच्चे हैं अखाड़े में? 20-25 बच्चे हैं। यह है घोड़ा का पहलवान जी आपको घोड़ा बहुत मस्त है। कई जिलों का चैंपियन कई जिलों। अच्छा ये मतलब ये प्रतियोगिता होती है? हाँ प्रतियोगिता कराई थी मैंने जिले बिजनौर में ही। अच्छा तो वहाँ से साइकिल नाम था वो उठाया था। अच्छा और मुजफ्फरनगर में रंगीन टीवी लाया था। तो ये जॉकी कौन है मतलब चलाता कौन है? घोड़े चलाता हाँ भी चलाते हो घोड़ा भी आपका दौड़ाता भी आप तो सही पटरी बैठ गई। बढ़िया पहलवान भी है। हाँ पहलवान है ये है पहलवान जो घोड़ा दौड़ाते हैं और खुद जॉकी है मतलब खुद दौड़ाते हैं घोड़े को। तो देखिए पहलवान क्या क्या काम करते हैं। मैंने आपको गाने वाले पहलवान दिखाए बजाने वाले पहलवान दिखाए अब देखिए घोड़ा चलाने वाले पहलवान है। इनका घोड़ा दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। बहुत लड़ी इतने छोटे से 100 मास्टर बहुत कुश्ती लड़ी हूँ। अच्छा समझे जी। हाँ और ये समझ लो अनगिनत कुश्ती लड़ी। अच्छा अपने वेट से। हाँ बहुत बढ़िया पहलवान अपने वेट से ऊपर के वेट तो कुश्ती लड़ी। तो ये कहते हैं अच्छे पहलवान रहे हम और बड़े जीदार पहलवान रहे अपने वजन से भी ऊंचे वजन के पहलवान से कुश्ती लड़े। कुलवीर से भी इसकी कुश्ती। कुलवीर को से मेरी कुश्ती हुई है। क्या परिणाम निकला? बड़ा बड़ी मैं पुलिस लाइन में एक बार दंगल था बच्चों को ले गया था कुलवीर। अच्छा। उस टाइम वेट कर रहा था। अच्छा। कुलवीर ने कहा लड़ लो माँ चल तेरी मेरी रही। अच्छा। मैंने तो छोड़े माँ कोच हूँ कोच तो मैं भी हूँ अभी तो लड़कों बुलाया। अच्छा। हाँ तो गुरु खलीफा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोच लड़ता था। अच्छा बढ़िया। अच्छा अब मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला महासचिव। अच्छा 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 तो मतलब राजनीतिक पहलवान है ये। पहलवान नहीं छोड़ती लेकिन अच्छा है क्योंकि पहलवान देखिए आप कुछ नौकरी चाकरी नहीं रहेगी तो नेता तो बनेगा ही कुछ ना कुछ तो करेंगे। गुरु जी एक बच्चे से मिलाना चाहते हैं हमें। ये चकित पहलवान। क्या नाम है बेटा आपका? ये चकित। चकित पहलवान तो आपको देख के वैसे में बहुत चकित हूं तगड़े पहलवान हूं आप। जरा ऐसे करना जिला अभिमन्यु कुमार। क्या पहलवान है जिला? ये हमारा जिला अभिमन्यु कुमार है। छोटा बच्चा है अभी। कितनी उम्र है बेटा आपकी? जी 17 साल। 17 साल का ये बच्चा है
और क्या इसके अचीवमेंट रही है गुरुजी? अच्छा पहलवान है, बहुत बढ़िया पहलवान बनने का। अच्छा तो अभी कहीं लड़ा है ये बच्चा? बहुत कुश्ती, बहुत लड़ता है, लड़ता रहता है और जीतता ही रहता है बाहर को से ही कुश्ती। हाँ, ये लड़का है चकित, जिसके गुरुजी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और बता रहे कि ये बच्चा लड़ता रहता है और जीतता रहता है ये बच्चा। तो देखिए अच्छी बॉडी बच्चे के, पहलवान है बच्चा, अच्छा तगड़ा। और सिर्फ ये है कि ऐसे ही बच्चों को अगर सुविधा मिल जाए तो ये बच्चा, आप बताओ कि कहाँ पर मैच में कहीं जाते हो आप? ना जी भाई, एक दो दफे या तो स्टेडियम या फिर एक दफा मुरादाबाद गया था कुश्ती लड़ने। अच्छा तो या तो बिजनौर स्टेडियम में जहाँ धर्मदेव भाटी जी कोच है, उन्होंने कह रखा है कि किसी, कोई भी बच्चा है कहीं से भी आए, किसी भी अखाड़े से आए, भाटी साहब बढ़िया कोच है, बहुत